मोदी जी को बिहार 15 बार सुन रहे हैं हम कि 15 सभा करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी 10 साल में कितना अच्छा काम किए कि उनको बिहार में 15 बार आना पड़ा है। काश अगर वो 5 साल में 15 बार अगर बिहार आ गए होते, बिहार के जनता के बारे में बात करते। नमस्कार, मैं पिस्कुता फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आज गया में थे और गया में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे उनसे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री 15 जनसभा करेंगे बिहार में चुनाव के समय में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 5 सालों में अगर 15 बार भी अगर बिहार आए होते तो उन्हें चुनाव के समय 15 जनसभा करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कुछ कर रहे हैं VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप उनके बयानों को सुने। माहौल है और बहुत ही मजबूती से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है और हर एक लोग खास करके मोदी जी के चालाकी है ना, समझ लिए हैं कि वही हिटलर वाला कहानी लेके आए थे कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, जितना झूठ बोलना था उन्होंने बोला था 2014 के समय में, और 2 करोड़ नौकरी देना, 15-15 लाख रुपया खाता में देना, ये सारे चीज़ें जो है जनता समझ चुका है और जनता मन बना लिया कि इस बार हमें परिवर्तन लाना है, अब मजबूती से हम लोग इस बार काम करेंगे। प्रधानमंत्री भी गए आएंगे। देखिए, मोदी जी को बिहार 15 बार सुन रहे हैं हम कि 15 सभा करेंगे, तो ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी 10 साल में कितना अच्छा काम किए कि उनको बिहार में 15 बार आना पड़ रहा है। काश अगर वो 5 साल में 15 बार अगर बिहार आ गए होते, बिहार के जनता के बारे में बात करते, तो मुझे बहुत खुशी होता, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के समय में बिहार के लोगों को इतना ना समझ रहे हैं कि मुझे लगता है इस बात से हमें हम लोग को तकलीफ होता है कि बिहार के लोग भी समझदार हैं, उनके चालाकी को सब समझ रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाला समय में उसको जवाब बिहार से मिलेगा। लालू प्रसाद यादव पे कहा है कि तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मुकेश सहनी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार गया का माहौल काफ़ी अच्छा है और इस बार जो कुमार सरबजीत है जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। तो उधर से आपको बता दें कि जीतनराम मांझी NDA के उम्मीदवार हैं और लगातार जीतनराम मांझी भी कैंपेन कर रहे हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं हुंकार भर रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।